मई का होगा इस मनीष कश्यप समर्थक रैली। आप सभी को बता देना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा खबर आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 27 मई को मनीष कश्यप का समर्थक हुए बहुत बड़ा रैली निकलने वाला है। आप सभी को बता दें कि यह सही पुष्टि किया जा रहा है। इस समय का बहुत बड़ा खबर आ रहा है, मनीष कश्यप का छोटा भाई करण कश्यप ने और मनीष कश्यप का माँ का भी इस रैली में शामिल होगा। आप सभी को बता दें कि बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, मनीष कश्यप का समर्थक द्वारा और बहुत बड़ा रैली निकलने वाला है। इस वीडियो को दबा कर अभी शेयर कर दीजिए, बाकी इस वीडियो में बनाए रहे सारी जानकारी मिलेगा। छोटा भाई करण कश्यप ने कहा था कि अब मनीष कश्यप का एक रैली निकलेगा, मनीष कश्यप का समर्थक द्वारा रैली निकलेगा, जो रैली में पूरी तरह से शांति मोरबन से जिस तरह से 23 मार्च को हुआ था उसी तरह से एक समर्थक द्वारा रैली निकलने वाला है, जिस रैली में मनीष कश्यप का समर्थक दिखने के लिए मिलेगा। उस समर्थक में मनीष कश्यप का माँ भी दिखेगी। आप सभी को बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम बिहार आते हैं और बिहार से वापसी जाता है, तो आज के दिन भी उनकी बैठक होने वाला है, मनीष कश्यप का और समर्थक भी बैठक होने वाला है। करण कश्यप ने खुद आकर बोला है, मनीष कश्यप का छोटा भाई ने, और सोशल मीडिया का आगू में बोला है और कहा है कि मैं मनीष कश्यप का समर्थक से और मनीष कश्यप का बिहार सरकार से गुजारिश करता हूँ और पूरी देशवासियों से गुजारिश करता हूँ, पूरी तरह से शांति पूर्वक जिस तरह से 23 मार्च को बिहार को बंद किया गया था उसी तरह से बंद हुआ गया। जानकारी सही बता रहा हूँ, सच के सिवा झूठ नहीं बताना चाह रहा हूँ। आप सभी को बता दें कि फेक लगातार इस तरह से वीडियो वायरल करा जाता है, फेक मनीष कश्यप का वीडियो बनाया जाता है, उन पर एफआईआर भी नहीं होता है। मैं आप सभी को बता दें कि सही पुष्टि है, क्योंकि कितना सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का छोटा भाई ने बताए हैं करण कश्यप ने, और कहे हैं कि 27 मई को मनीष कश्यप समर्थक द्वारा एक रैली निकलेगा, जिस रैली में कहा जाएगा कि मनीष कश्यप का गुनाह क्या है, मनीष कश्यप को रिहा करो। बहुत सारे ऐसे खबरें आ रहा है जिस खबरों को बताना आप लोग को जरूरत है, लेकिन आप लोग कहना चाहता हूं कि मेरी वीडियो को दबाकर शेयर करके बता दीजिए, जो लोगों को नहीं पता हो उसको भी पता चल जाए कि आखिर 27 मई को क्या होने वाला है, और जिस तरह से 23 मार्च को बिहार को बंद किया गया था, एम्बुलेंस को जाने दिया था, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ था। अब सभी से उम्मीद होता होगा कि जो भी शांति पूर्वक बनाया जाए और शांति में कोई ऐसा होनी नहीं हो जिससे मनीष कश्यप को तकलीफ बढ़ सकता है। लेकिन आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जब से गवर्नर साहब का एक ट्वीट आया है उसी तरह से मनीष कश्यप का समर्थक द्वारा बहुत बड़ा अपडेट भी दे दिया गया है, और कहा था कि गवर्नर साहब में जितना भी आरोप लगाया जा रहा था कि मनीष कश्यप को जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे गवर्नर साहब, हाईकोर्ट में केस को तूफान कर दिया गया था, लेकिन ऐसी खबर झूठी आ जाती है। जब बहुत से ऐसे अपडेट आता है जिसने माँ ने बताया था कि हमारा बेटा को इस तरह से दुनिया से वाले क्या दुश्मनी हो गया है, जो फंसाने में लुगे लगे हुए हैं, कितना लोग उनकी छुड़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो मनीष कश्यप का विरोध करने में लगे हुए हैं। आप सभी से उम्मीद होगा कि आप बातों को समझ रहे होंगे, और 27 मई को बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, जिस फैसले को बारे में बताना चाहते हैं कि एक मनीष कश्यप समर्थक द्वारा एक रैली निकलने वाला है, जिस रैली में उस जानकारी मनाया जाएगा कि मनीष कश्यप को रिहा करो, मनीष कश्यप को रिहाई करो। आखिर बाबा बागेश्वर धाम जब बिहार आए थे उनको पास अर्जियां लेके गया था, लेकिन इसके बारे में पूरी पुष्टि नहीं हमारे बता सकते हैं, लेकिन इतना बताना चाहते हैं कि मनीष कश्यप का बहुत बड़ा खेल होने वाला है। क्या खेल होने वाला है उसके बारे में भी अपडेट नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा खेल होगा। आप सभी को पता होगा कि तमिलनाडु के मामले में जिस केसों में मनीष कश्यप को गिरफ्तारी हुआ था, दो तीन यूट्यूबर और हुआ था, और दो तीन वो के छूट गया है, उनकी बेल मिल चुका है, अब बारी है मनीष कश्यप का। बस अब मनीष कश्यप का बारी है, अब कब तक आते हैं मनीष कश्यप आप सभी ने इंतजार कर रहे होंगे। बाकी हम यही बार बार कहेंगे कि वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए, जन जन के पास पहुंचा दीजिए। आखिर 27 मई को क्या होने वाला है और क्या होगा, आप लोगों के सामने नई अपडेट आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। बाकी कॉमेंट में अपना राय जरूर दीजिए, बाकी इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए। आप समझ जाइए कि 23 मार्च को जिस तरह से आप लोग देखे थे उसी तरह से 27 मई को मिल सकता है देखने के लिए। लेकिन आप लोग से कहना चाहते हैं, क्योंकि पुष्टि को मनीष कश्यप का छोटा भाई ने किया है, आप सभी ने देख रहे होंगे, और ये मनीष कश्यप का छोटा भाई और एक यूट्यूबर चैनल वाले हैं भैया,
वो खुद किए थे कि मनीष कश्यप का समर्थक द्वारा एक रैली निकाला जा रहा है, जिस रैली में बहुत से ऐसे जानकारी मनाया जाएगा और मनीष कश्यप को राहत दिलाने के लिए एक जानकारी मनाया जाएगा। आप सभी से उम्मीद होगा कि बातों को समझ गए होंगे कि बाकी क्या कहने वाले हैं और क्या सुनने वाले हैं, लेकिन आप लोग को बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ा जीत होने जा रहा है मनीष कश्यप को। बाकी इस वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए, दुनिया को फैला दीजिए, बाकी दुनिया वाले देखते हैं कि मनीष कश्यप को कितना तंग करता है और कितनी परेशानी में डाल सकता है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। वीडियो को दबाकर शेयर करते रहिए, बाकी पेज को फॉलो कीजिए, बाकी अपना राय जरूर दीजिएगा, बाकी धन्यवाद। बबुआ पीएम बनी है, यही बबुआ सीएम बनी है, यही बबुआ डीएम बनी है, विरोधियन के लाग जैतई बहुत बड़ा झटका हो, 27 मार्च के आवे वाला है मनीष समर्थक रैली हो, वीडियो दावा के कर इतना शेर भाई हो, बहुत बड़ा जीत हो वाला है मनीष भाई के हो, सबके जिलावा से तो बहरे आई मनीष भैया, यही रिहाई के ले मंगवा कर है समरथावा हो, लगातार वीडियो शेर कर है मनीष भैया, आई जाऊ न तो देशवा खोज है न तोरे, जय पत्रकार जैसा न जूझता गरीबी जूझा जा जूझता बिहार बबुआ, यही बनी है डीएम बबुआ, यही बनी है सीएम हो, यही बनी है पीएम बबुआ, कर है लोगवा सपोर्ट इनका इनके माई के, इनका इनके ही भाई के, रउआ के बतावहियो भैया इनका कर सपोर्टवा हो, आबे वाला है 27 मई कर दाहु पैया हो, कर दा तू जेलवा से बा। बहुत से ऐसे अपडेट आया जा रहा है जिस गाने के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि 27 मई सच्चाई मई। बाकी 23 मई को देखवे किए थे कि बिहार मनीष कश्यप पहला ऐसा पत्रकार था जिसको लिए बिहार बंद हुआ था, ये दूसरी बार योदन होने वाला है। बाकी शांति पूर्वक बने।